वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। आज हमारी मॉडल लाइफ होने की वजह से हमारा पोस्चर पूरी तरह से ख़राब तो हो ही चुका है, लेकिन वो पोस्चर ख़राब होने की वजह से हमें बैक की जो हमारी मसल होती है वहाँ का बैलेंस पूरी तरह से डिसबैलेंस होता है, जिसके कारण से हमारा बैक का पोस्चर पूरी तरह से ख़राब हो जाता है और हमें बैक पेन, नेक पेन के साथ साथ हमें खुद महसूस होता है कि हम खुद महसूस करते हैं कि हमारे कॉन्फिडेंस में कमी आती हुई दिखती है, ये हम अपने ऊपर खुद ही महसूस करने लगते हैं। तो आप कैसे अपने बैक पेन को, नेक पेन को और अपने बैक पोस्चर को कैसे ठीक करके अपने जो मसल है बैक की उसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक पूरी जानकारी देके पूरी अच्छी तरह से समझाने वाला हूं कैसे आप ठीक करोगे, कौन सी एक्सरसाइज फॉलो करके आप अपने बैक पोस्चर को प्रॉपर तरीके से कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ठीक कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपका मैं दावा करता हूं आपका बैक पोस्चर कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो हमारे चैनल का जो रेड कलर का बटन है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, इसका किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगता, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे की तरफ मैं आपको बताऊंगा जो हमारा जो बैक पोस्चर है वो क्यों ख़राब हो जाता है और उसे हम किस तरह से कुछ समय के अंदर ठीक कर सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले जानते हैं कि आपके पोस्चर के वजह से, आपके कौन कौन से ऐसे पोस्चर जो रॉन्ग पोस्चर की वजह से आपका जो बैक है वो किस तरह से जो मसल है वहाँ की बैलेंस डिसबैलेंस हो जाती है। सब फर्स्ट है आपका स्लीपिंग का पोस्चर, सेकंड स्टैंडिंग पोस्चर और थर्ड है सिटिंग पोस्चर। अगर आप किसी भी तरीके से गलत तरीके से सोते हो, आप कभी भी रात में सोते हो दिन में या कभी भी रात में सोते हो तो आपको स्टैंड पोजिशन में सोना है। आपको अपने ध्यान रखना होगा बैक की मसल को दबते हुए नहीं रखनी, टेढ़ी मेढ़ी करके नहीं सोना है और नेक को हमेशा स्ट्रेट करके सोइए। और सेकेंड आता है सिटिंग पोस्चर। आप जैसे कि हमें पता है वर्किंग, अगर बहुत लोगों का काम होता है कि बैठे बैठे काम है, कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है, मोबाइल चलाते हैं, वो क्या करते हैं अपने झुक के मोबाइल चलाते हैं और बैठ झुक के आगे की तरफ झुक के कंप्यूटर पे वर्क करते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना होगा अगर आप कहीं भी बैठ के काम करते हो, अगर कहीं भी आप बैठे हो तो स्ट्रेट बैठिए, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप कहीं भी बैठते हो तो स्ट्रेट पोस्चर करके अपने जो बैक है उसे स्ट्रेट करके बैठिए। और थर्ड है सिटिंग और थर्ड है स्टैंडिंग पोजिशन। कहीं भी आप चलते हो, वॉक पर भी जाते हो या कहीं भी खड़े भी रहते हो तो भाई यूँ करके ना खड़े रहिए। आपका सबसे बैक पोस्चर की जो सबसे मेन जो कारण होता है वो खड़े रहने की पोस्चर होता है। अगर आप स्ट्रेट खड़े रहेंगे तो आपके जो बैक की मसल बैलेंस में रहेगी, तो आपका बैक पोस्चर पूरी तरह से इस कंप्लीट प्रॉपर मात्रा में सही रहेगा। इसलिए खास कर से ध्यान रखिए आप इन तरह के पोस्चरों को 100% सुधार लीजिए तो भाई दावा है मेरा कि आपका बैक पोस्चर पूरी तरह से जो ख़राब हो चुका है वो पूरी तरह से सही हो जाएगा। इसलिए क्योंकि बहुत बैक पोस्चर ख़राब क्यों होता है, इन्हीं कारणों की वजह से। अब आते हैं कि आपका जो बैक पोस्चर ख़राब हो जाता है उनकी वजह से आपको कौन कौन सी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। सबसे फर्स्ट है बैक पेन और नेक पेन। जिन लोगों का पोस्चर ख़राब होती है वहाँ की जिनकी मसल डिसबैलेंस होती है उन्हें बैक पेन और नेक पेन का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इसे किसी तरह की मेडिसिन लेके आप पूरी तरह से ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी देरों के लिए राहत ज़रूर मिल जाती है। सेकेंड है फील द डर्टी लुक। आप अपने अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस की कमी पाते हो, खुद महसूस करते हो कि भाई जो मेरा बैक पोस्चर ख़राब होने की वजह से हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर पाते, खुद में कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से हम किसी भी क्षेत्र में सक्सेस नहीं हो पाते। इसलिए बैक पोस्चर भाई जरूर सही कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफस्टाइल के लिए। थर्ड आता है ओवरवेट है। जो बैक पोस्चर जिन लोगों का ख़राब होता है उन्हें ओवरवेट मैन लगता है। आपने खासकर नोटिस किया होगा, या मैं आपसे बात करूँ दोस्तों, अगर आपका वेट जो आपका बैक पोस्चर ख़राब है तो आपने खासकर से नोटिस किया होगा जो यहाँ का जो वेट है यहाँ एक्स्ट्रा फिट आ जाता है, ओवर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से एक्स्ट्रा फिट हो जाता है। जिन लोगों का बैक पोस्चर ख़राब है उन लोग को यहाँ पे एक्स्ट्रा फिट देखने को मिला नहीं दोस्तों, या तो चेक करके देख लो अभी कि अभी यहाँ आपके एक्स्ट्रा फिट देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों ये तो बात रही कि आपको कौन कौन से पोस्चर पर ध्यान देना चाहिए और आपकी कौन कौन सी समस्या को सामना करना पड़ता है, लेकिन अब आते हैं मेन टॉपिक पर जिसके कारण से आप वीडियो देख रहे हो। अब मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी ऐसी चार एक्सरसाइज है जिसको मात्र कुछ ही समय तक फॉलो करते ही करते आपका बैक पोस्चर चुटकियों में ठीक होने वाला है, वो बैक पेन नेक पेन से पूरी तरह से राहत मिलने वाला है, पोस्चर तो प्रॉपर तरीके से ठीक हो ही जाएगा। सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज आप देख लीजिए दोस्तों, इस एक्सरसाइज को कहते हैं हिप फ्लेक्सर एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने से आपको क्या होता है, जो आपका जो बैक होती है और आपका नी होती है इनका कॉन्टैक्ट पूरी तरह से बना होता है इस एक्सरसाइज में, स्ट्रेट होती हैं और इसलिए आपको ये लगभग आपको 15 से 20 मिनट के दौरान में ये एक्सरसाइज को ज़रूर फॉलो करना। और सेकंड आती है दोस्तों जैसा कि आप देख ही रहे बैलेंसिंग एक्सरसाइज। जैसे आपने इस एक्सरसाइज को देखते ही महसूस कर लिया होगा हाँ ये जो एक्सरसाइज है हमें बेनिफिट देगी, क्योंकि आप देखिए ध्यान से जो आपका पीछे का जो लेग जा रहा है वो पूरा स्ट्रेट जा रहा है, आगे का जो हैंड जा रहा है पूरा स्ट्रेट जा रहा है। और ध्यान कीजिए, नोटिस कीजिए, जिसकी जो बैक की जो मसल्स है वो पूरी स्ट्रेट हो रही है। ध्यान रखना आपको इसे बैलेंस करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि आपकी बैक पोस्चर ख़राब है
तो आपको इस पर टफ हो जाएगा बैलेंसिंग करना, लेकिन धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आपका बैलेंस प्रॉपर मात्रा में हो सके। थर्ड एक्सरसाइज है डाउन नेक एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज बहुत लोग फॉलो भी करते होंगे, अपनी डेली दिनचर्या में भी फॉलो करते हैं। जो लोग वर्कआउट करते हैं वो इस एक्सरसाइज को फॉलो तो करते होंगे, लेकिन वो किस तरह से फॉलो करते हैं, जिनका बैक पोस्चर और बढ़ जाता है सही होने की जगह पर, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट है ना अपने ना थंब को छूने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको धीरे धीरे, आपको पहले अपने नी को टच करना है, फिर थंब को टच करना, धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को फॉलो ज़रूर करना। अब आता है बैक स्ट्रेक्ट एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा बेनिफिट साबित होती है बैक पोस्चर के लिए, क्योंकि आप जब खुद इसी एक्सरसाइज का फॉलो करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसी एक्सरसाइज से मिलने वाला है, और ख़ास करके बैलेंसिंग एक्सरसाइज से। इस एक्सरसाइज में क्या करना होगा आपको, जो जैसे कि आप देख ही रहे हो, आपको दोनों हाथों का कॉन्टैक्ट इस तरह से बनाना है कि जो आपका बैक की जो मसल से पूरी तरह से जो नेक तक पूरी स्ट्रेट हो जाए। आप देख ही रहोगे जो कर रहे हैं पूरी तरह से स्ट्रेट है, नेक से लेके बैक तक की जो मसल से पूरी तरह से स्ट्रेट होने की वजह से आपका बैक पोस्चर पूरी तरह से ठीक हो ही जाता है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि चार तरह के मैंने एक्सरसाइज बताई, अब आप इसी हिसाब से मजाक में मत लीजिएगा दोस्तों, ये एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा बेनिफिट साबित हुई है बैक पेन को लेकर, नेक पेन को लेकर, और आपके बैक पोस्चर को पूरी तरह से ठीक करने में ये चार एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगी। क्योंकि मैं आपको कोई भी वीडियो देता हूँ तो उसमें खास कर से जानकारी देती है कि आपका उसमें एक उचित प्रमाण में आपको उसका फ़ायदा देखने को मिले। तो दोस्तों वीडियो की जानकारी कैसी लगे, अगर वीडियो की जानकारी को थोड़ी सी भी बेनिफिट लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, वीडियो को शेयर करना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो भाई इस भाई को सपोर्ट करने के लिए हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो आज के लिए इतने भाई, तो धन्यवाद दोस्तों।